वख-वख किसान यूनियन वालों अज स्थानक प्रताप बाग विच विचार वटांदरे किए गए और मीटिंगा की गई। इस तों बाद स्थानक विधायक नरिंद्रपाल सिंह सवना, PhD चैंबर ऑफ कमर्स श्री करण गलोत्रा, जिला आम आदमी पार्टी प्रधान अरुण वधवा नूं सरकारा तों किसान पक्षी काम कराने लई मंग पत्र दिता गया और कहा गया कि सरकारा किसानां नाल कीते वादे पूरे करन अते किसानां नूं आने वाली मुश्किलां दूर करन। ये मुश्किलां तां ही दूर हो सकदियां हन जेकर ये मंगा सरकार लियांदी है। उत्थे होर उन्हां की कुछ कहा, सब कुछ जानने लई साडे नाल बने रहो। देखो जी, संयुक्त किसान मोर्चा की जिहड़ियां 16 संघर्षशील जथेबंदियां ने जिहड़े फैसला लिया 9 तरीक नूं आपदे हल्के दे MLA नूं जिहड़े मंग पत्र दित्ते जाणे मुख्यमंत्री दे नाम ते। तो पंजाब दीआं जिहड़ियां किसानी लैके जिहड़ियां मंगां उत्थे दी उत्थे खड़ियां। सरकार बदल गई पर नवीं सरकार अजे तक किसानां लई जिहड़ा ध्यान नहीं दे रही। जिवें कि साडी पिछले लंबे समय तो मंग है जिहड़ी झोने दे खराबे दा मुआवजा, वह अजे तक किसानां दे खातिआं च नहीं आया। दूजी गल, इस वारी जिहड़े कणक दे बहुत ज़्यादा जिहड़े झाड़ कटे है। सर, की नाम है अपना जी? मेरा नाम जसवीर सिंह जी रंधावा, बीते जी मानसा, जिला प्रधान फाजिलका। अज तुसी प्रताप बाग दे विच इकट्ठे होए हो, किहड़े किहड़े मुद्दे लै इकट्ठे होए जी? देखो जी, मुद्दे तो साढ़े बहुत सारे ने। जो सरकारां ने सानू वादे किए, पानी के मुद्दे ने, सानू बोनस का इना किया भी कणकां घट होईआं तुहानू बोनस मिलेगा जी पंजाब सरकार ने। आ जिवें नड्डा साहब दस्सिया झोने की बिजाई वास्ते सानू सारा कुछ इन्हें तकरीबन दस ही दिता भी सीधी बिजाई करो, तो पानी की समस्या सानू कितनी आ रही, लाइट की समस्या आ रही, सीधी बिजाई किस तरह कर सकते। इस करके मतलब भी असी मंग पत्र समझ जा रहे हैं MLA साहब भी साड़ी जी सुनाई हो गए, साढ़े जो मुद्दे ने साढ़े बच्चे लड़ते पे ने। वोटों तो पहले तो बड़े बड़े वादे किए ने, इलेक्शन पहले बहुत बहुत वादे किए हैं, तो सिरे एक भी नहीं कराया इन्होंने। इस करके असं इन्हों मंग पत्र देना ठीक ये जो वातावरण व्डे पद्धर से जोड़ा खराब हों, सू कई तरह की जड़िया बीमारियां वो फैलन का खतरा है। सो नाड़ अग ना लगाई जाए, सीधा जोड़ा इन्हों खेतों थले जो रखा जाए। सर, अगर तुहाडी मंगां नूं नहीं मन्निया जांदा तां तुहाडा अगला कदम की रहेगा? देखो, साडा तां जिहड़ी टेक है संघर्षां ते है, क्योंकि साडी जिहड़ी सोच है कहिंदी है, जथेबंदियां दी सोच है कहिंदी है भी बदलाव आ गया पर समस्या का हल अजे तक हुंदा जिहड़ा नज़र नहीं आ रहा। सो लोकां दी समस्या का इको एक जिहड़ा हल है वह संघर्ष संघर्ष और संघर्ष ही है। सो संघर्षां दे राही असीं जिहड़ा सरकार तो मंगा जिहड़ियां मनावांगे आने वाले। किहड़ी किहड़ी जथेबंदियां अज इकट्ठियां होईआं जी? अज साडे नाल BKU मानसा, BKU ਕਾਦੀਆਂ, ਤਾਂ BKU ਡਕੋਂਦਾ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹਰੀਸ਼ ਨੱਡਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਝਾੜ ਕਟਿਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁੱਦੇ ਹੈ, ਸਿੰਚਾਈ ਪਾਣੀ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੇਤਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਵਨਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਰ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਨਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਕੀ ਉਹ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ 2 MLA ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਹਿਰੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਵੀ ਬੜਾ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਈਨਰ ਹੈ, ਲਾਧੂਕਾ ਮਾਈਨਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਲਾਸਟ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਚੀਫ ਨਹਿਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, SC ਨਹਿਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਰੇ ਤੋਂ ਲਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰੇਟ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਤਰੀਕ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1.5 ਦਾ ਤਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਪਰ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਬੰਦੀ ਕਰਤੀ। ਪਿਛਲੇ ਹੁਣ 13 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਬੰਦੀ ਹੈ,
एक पास कहते सीधी बिजाई करो तुम सीधी बिजाई लिए जो सिंचाई लिए नहरी पानी का होना जो जरूरी है असं किमें मतलब करा सीधी बिजाई जो नहरी पानी ना साढ़े को होगा जो लैट ही सू जी पूरी ना दी जाएगी। सो सरकार पहला जो कोई भी जो प्रपोजल है वह नहीं तैयार करती, बस ऐलान ही ऐलान मैं कह बदलाव पर सानू नहीं कोई बदलाव जो दिखता जो नज़र आ रहा। सो पिछले दिन देखने मिल रहा कई किसान तो जो नाड़ नू साड़दे हुए दिख रहे ने ते कई किसान नाड़ नू नहीं साड़ रहे वो जागरूक हो चुके ने जिहड़े साड़ रहे ने उन्हां नू की तुसीं संदेश देना चाहोगे? असीं वार वार जिहड़े आ देखो अपील करदे आ वातावरण जिहड़ा बचाउण लई जिहड़ा नाड़ नू अग ना लाई जावे। चलो झोने का जिहड़ा लंघ है उहनू जिहड़े अग लाउणी साडी इक मजबूरी है क्योंकि झोने का जिहड़ा लंघ है उह थल्ले नहीं दबाया जा सकदा, कणक का जिहड़ा नाड़ है उह थल्ले जिहड़ा दबाया जा सकदा। सो असीं वार वार ABN न्यूज चैनल देखने वाले सभी दर्शकों से हम अपील करते हैं कि ABN न्यूज चैनल पर ऐसी लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।